हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो स्पेशल केसेज हैं वो क्या क्या होते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव सेंटेंस का, तो उसमें बाई जो हम यूज करते हैं एजेंट, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे बाई एजेंट का यूज नहीं करना होता है। सो इसको समझते हम ऐसे हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक नो वन, वन, एवरी वन, समबॉडी, समवन, पीपल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अगर ये सभी वर्ड्स सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट के जगह पे आते हैं तो जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हम यूज नहीं करते हैं। बाई के साथ समवन नहीं लिखते हैं, बाई के साथ नोवन नहीं लिखते हैं, बाई के साथ वन का यूज नहीं करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि जैसे एक्टिव कोई सेंटेंस है, सपोज कि समवन हैज, ओके, समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन, लाइक दिस, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। और इसमें हमने अभी बताया आपको कि समवन जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है इस एक्टिव सेंटेंस में। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, पैसिव इसका जब बनाएंगे तो बाई के साथ जो समवन आएगा वो हम यूज नहीं करेंगे, बाकी सब प्रोसेस हम करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, माय पेन, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लाएंगे माय पेन, ये हो गया पैसिव सब्जेक्ट, तो माय पेन। और ये एज आप देख रहे हो कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसमें हैज हैव के बाद क्या यूज करेंगे, बीन, तो हैज बीन, माय पेन हैज बीन, एंड इसके बाद V3 यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी V3 यूज किया जाता है, तो ये स्टोलन हुआ। और इसके बाद जो बाई समवन वो हम नहीं लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट यू नो स्पेशल केस जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसके बाद बाई समवन अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, बाई समवन की जरूरत नहीं है, दैट इज कंप्लीटेड हियर। ओके, वन मोर एग्जांपल यू कैन सी कि पीपल पीपल, ओके, स्पीक पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लाइक हम ऐसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, हिंदी इन बिहार। तो बच्चों अब यहां पर आप थोड़ा सा देखो, अगेन हमने बोला था कि कुछ वर्ड्स जो हैं उसमें एक वर्ड पीपल भी है, वो अगर सब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है तो उसको बाई एजेंट के साथ यूज नहीं करना होता है। तो इसका पैसिव जब हम बनाएंगे पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, पीपल, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे हिंदी, ओके। और यहां पर ये जो गिवन सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है, तो हिंदी सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है कि इज एम आर एक्सिलरी वर्ब यूज होता है, तो हिंदी के साथ क्या यूज होगा, इज, और उसके बाद V3, ओके, तो वर्ब का V3, स्पीक का V3, स्पोकन, तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, लाइक दिस। अब इसके बाद आपको बाई द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सो दिस वॉज द फर्स्ट केस, तो इसका क्या होगा पैसिव, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, दैट्स इट, ओके। सेकेंड जो स्पेशल केसेज है, सेकेंड वन इज वो हम मॉडल्स एक्जिलरीज जो होते हैं उससे रिलेटेड है, ओके। सो मॉडल एक्जिलरीज, जैसा कि आप जानते हो कि जो मॉडल एक्जिलरीज हैं उसको शॉर्ट में मॉडल्स बोलते हैं, और देयर आर 13 मॉडल एक्जिलरीज, आई मीन देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, दीज ऑल आर मॉडल एक्जिलरीज, ओके। और अगर एक्टिव वॉइस में ये सब मॉडल्स यूज किए गए हों तब उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखते हैं। तो उसमें बहुत इजी है, आप मॉडल्स जो भी ये जो मैं लिख रहा हूँ पैसिव पैटर्न है, पैसिव जब हम बनाएंगे ना तो ये वाला पैटर्न हम यूज करेंगे, क्या जो मॉडल्स एक्टिव सेंटेंस में यूज किया गया है उसको लेंगे, मतलब यूज करने के बाद हम बी यूज करते हैं, यही मेन चीज है जो आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद V3 यूज करना होता है, V3, ओके, बाकी जो अदर स्टेप्स हैं आपको एज इट इज फॉलो करना है, ओके। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए कोई एक्टिव सेंटेंस हम लेते हैं जिसमें हम मॉडल का यूज करेंगे, जैसे हम बोलते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा, यू कैन डू इट, अब यहां पे कैन यूज हुआ, दैट इज मॉडल, तो अब इसका पैसिव हमें बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाकी रूल्स है आपको एज इट इज फॉलो करना है, ये जो ईट है ऑब्जेक्ट है,
यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ईट और यू जो है वो लास्ट में जाएगा, यू यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है सिर्फ। तो ये पहला हमने स्टेप ले लिया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। एंड सेकेंड स्टेप ये गया कि एक्जिलरी वर्ब देंगे, तो एक्जिलरी वर्ब कैन जो है इटसेल्फ एन एक्जिलरी वर्ब, तो मॉडल एक्जिलरी इसके बाद आएगा कैन, और कैन के बाद हमने क्या बताया आपको क्या यूज करना है, बी, तो ईट कैन बी, देन V3 आपको यूज करना है, तो डू का V3 क्या होगा, डन, और इसमें बाई एजेंट यहां यूज कर लेंगे बाई यू, क्लियर है। तो इसमें वेरी सिंपल कि मॉडल्स अगर यूज किए गए हैं एक्टिव सेंटेंस में तो पैसिव बनाते समय आपको क्या करना है, मॉडल एक्जिलरी के बाद बी यूज करना है, देन आपको V3 यूज करना है। ओके ओके, वन मोर केस इज देयर रिगार्डिंग मॉडल एक्जिलरी, एक और केस अलग थोड़ा हटके हो सकता है मॉडल एक्जिलरी के साथ, उसमें कभी कभी क्या होता है कि मॉडल के साथ हैज हैव का भी यूज किया जाता है। ओके सो उस केस में आप क्या करना है आपको, उसके बाद जो है जैसे सपोज मॉडल एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स यूज किया गया उसके बाद हैज या हैव यूज किया गया तो उसका पैसिव मैं आपको बता रहा हूं, उसमें पैसिव पैटर्न जो हो जाएगा उसका पैसिव पैटर्न आपने क्या यूज करना है, मॉडल्स यूज करना है, मॉडल्स उसके बाद, मॉडल्स के बाद जो है हमेशा हैव यूज, हैव और उसके बाद बीन, एंड देन आपको क्या यूज करना है V3, ये यूज करना है, ये पैटर्न। एग्जाम्पल्स आपको और क्लियर हो जाएगा, आप ऐसे देखो जैसे हम अगर बोलते हैं यू मस्ट हैव डन इट। अब यहां पे बच्चों आप ये देखो कि इस सेंटेंस में ये एक्टिव सेंटेंस है ये, तो इस सेंटेंस में क्या यूज किया गया, मस्ट, ये तो मॉडल एक्जिलरी है, मॉडल एक्जिलरी यूज किया गया और इसके बाद हैव यूज कर दिया गया। तो इस केस में आपने ऐसा नहीं करना है कि मॉडल एक्जिलरी मस्ट के बाद बी यूज कर दो, वो गलत हो जाएगा। इस केस में आपने ध्यान देना है कि दिस गिवन सेंटेंस में हैव यूज किया गया, तो हैव का अगर यूज किया गया या हैज यूज किया गया तो उसके बाद आप पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो उसमें क्या करेंगे, बीन यूज करेंगे, दिस बीन, तब उसका पैसिव करेक्ट होगा। तो आप देख लेते हैं इसका पैसिव क्या होगा, यू मस्ट हैव डन इट, इसका पैसिव होगा इट, ओके इट मस्ट, ओके इट मस्ट हैव, और हैव के बाद आपने क्या यूज करना है, बीन, इट ऑब्जेक्ट यहां आ गया सब्जेक्ट, इट मस्ट हैव बीन, देन V3 डन बाई यू, लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका पैसिव। तो मॉडल से रिलेटेड दो केस हो सकता है, एक या तो मॉडल्स उस सेंटेंस में आ रहा है उसमें हैज हैव नहीं लगा हो, और अगर मॉडल्स आ रहा है उसके साथ हैज हैव यूज किया गया, देन आपने ये पैटर्न आपको पैसिव बनाने के लिए फॉलो करना। ओके ओके बच्चों, इसमें जो तीसरा स्पेशल केस है उसमें हम ये देखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस का जो वर्ब होता है कभी कभी उसके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो व्हाट यू विल डू इन दिस केस देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे मैं अगर बोलूं कोई एक्टिव सेंटेंस ऐसे है कि ही यू नो गेव मी अ पेन, मी अ पेन, उसने मुझे कलम दिया, राइट, ही गेव मी अ पेन, तो यहां पे इसका हमें पैसिव बनाना है। अब यहां पे देख लेते हैं केस क्या है, यहां पर स्पेशल बात यह है कि यहां पर वर्ब ये है और इसके साथ ऑब्जेक्ट जो है एक ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, इसमें दो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है ना, एक वर्ब के साथ, तो यही हम केस यहां डील कर रहे हैं कि वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, अगर एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट के साथ आ जाता है तो व्हाट यू विल डू, उस केस में आप क्या करोगे, किस ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे। तो आप अच्छे से समझ लो कि अगर जो ऑब्जेक्ट आपको पहले लाने का मन है वो आप ले सकते हो, आप मी को भी पहले सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बना सकते हो, अगर आप ए पेन को भी पहले बना ले तो वो पैसिव सब्जेक्ट, तो वो कोई गलत नहीं है, ओके बोथ आर करेक्ट। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन, जैसे पहले मी को हम यहां लेते हैं ऑब्जेक्ट, भी तो मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, आई, और चूंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो यहां पर वाज वर्ब में से कोई एक्जिलरी वर्ब यूज होगा और आई के लिए वाज, तो आई वाज एंड देन गिवन, वर्ब का तीसरा रूप गिवन, V3 गिवन, आई वाज गिवन अ पेन, आई वाज गिवन अ पेन बाई हिम, ये हो गया। अच्छा, अगर आपका मन है कि ये पेन को पहले ऑब्जेक्ट बना लें तो वो भी आप कर सकते हो, देखो ए पेन अ पेन, ठीक है, वाज गिवन, ठीक है ना, V3 गिवन मी,
ए पेन वॉज गिवेन मी बाई हिम हिम। तो ये दोनों जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस है और दोनों करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। तो इस केस में आपने देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वर्ब के साथ तो कोई भी वर्ब को आप ले सकते हो और जो उसका पैसिव वॉइस बनाओगे वो सही होगा। फोर नंबर स्पेशल केस में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ बाय एजेंट नहीं लेते, मतलब उनके साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय यूज नहीं करते बट बाय के जगह कुछ दूसरा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये आप याद कर लेना कुछ वर्ब्स हैं जैसे नो, नो के साथ जो है वो आपका जो प्रीपोजिशन है वो टू लगेगा बाय के जगह। सेटिस्फाइड विद, इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो विद लगेगा। सरप्राइज के साथ एट यूज होता है, शॉक एट, ओके। प्लीज्ड विद, प्लीज के साथ विद, और इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ इन यूज होता है, ठीक है। बाई की जगह ये सब प्रीपोजिशन यूज करेंगे। वन आप एग्जांपल एक दो देख लेते हैं आपको, जैसे हम लोग यहां देखते हैं एक एक्टिव सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मैं बोलूं आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, चलो आई नो हिम, ठीक है। नाउ इसका हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव जब इसका बनाएंगे तो सब रूल फॉलो करेंगे, ही इनका यहाँ पैसिव सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और ये चूंकि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो इसमें इज एम आर, तो यहाँ इज अकॉर्डिंग टू ही, तो ही इज, और इसके बाद वी थ्री, तो नो का वी थ्री जो होगा नन, ठीक है, ही इज नन। अब यहाँ पर मी बाई मी नहीं, इसके साथ क्या यूज करना है प्रीपोजिशन टू, ही इज नन टू, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात अक्सर आपको मतलब एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज है और ये आपको जानना जरूरी है। तो टू के यहाँ पे नो के साथ क्या यूज करना आपने, टू, क्लियर। इसी तरह से वन मोर एग्जांपल, जैसे हम एक और एग्जांपल आपका ले लेते हैं, एक्टिव सेंटेंस मान लो ही प्लेस्ड मी, उसने मुझे खुश किया, ही प्लेस्ड, या उसने मुझे खुश कर दिया, ही प्लेस्ड मी, ठीक है। तो इसका पैसिव जब हम बनाएंगे, अगेन पैसिव जब इसका बनाएंगे तो आई, ओके, और ये चूंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, ठीक है, और यहां वी थ्री, आई वाज प्लीज्ड, और यहां पर बाई हिम नहीं, प्लीज्ड के साथ क्या यूज करना आपने, विथ, तो आई वाज प्लीज्ड विथ हिम, दैट इज। तो ये आपका जो है ये आप ध्यान रखना है कि इन सभी वर्ब के साथ ये सब स्पेशल प्रीपोजिशन से वही यूज करना, बाय यूज नहीं करना है। नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप है वो ये है कि अगर सेंटेंस का पैटर्न इस फॉर्मेट में हो, मींस उसमें वर्ब टू बी या वर्ब टू हैव, मींस कि सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में इज एम आर वाज वर ये वर्ब यूज हुआ हो, या हैज हैव हैड में से कोई वर्ब यूज हुआ हो और उसके बाद टू आया हो, ओके, उसके बाद टू आया हो, तो उस केस में आप जब बनाओगे उसका पैसिव वॉइस, तो ये पैटर्न जो मैंने देखा है ये पैसिव पैटर्न है, ठीक है ना, पैसिव पैटर्न आपको ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। टू के बाद आपने क्या यूज करना है, बी, एंड देन आपने क्या देना है, वी थ्री, ओके। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको अच्छा क्लियर करेगा, जैसे मैं अगर ये बोलूं आई एम टू डू इट, मैं यह करने वाला हूं, आई एम टू डू इट, ये हो गया। तो देखो इसमें एम यूज हुआ, एम यूज हुआ और उसके बाद टू यूज हुआ, और टू के बाद एज यू नो कि हमेशा वी वन यूज होता है, तो टू के बाद यहाँ डू, डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डू यूज हुआ वी वन। तो ऐसा अगर एक्टिव आपको पैटर्न मिलता है सेंटेंस का और इसका पैसिव बनाना है तो आपने क्या करना है, वेरी इजी, आपने टू के बाद बी यूज करना है और उसके बाद वी थ्री यूज कर देना है, बाकी जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो तो करना ही है। तो इसको मैं पैसिव बनाता हूं, ईट पहले होगा, ईट, ओके, और ईट के साथ यहां पर इज होगा, इट इज, और इसके बाद टू आया, और टू के बाद हमने बताया आपको क्या, बी यूज करना है, तो इट इज टू बी, एंड देन आपको क्या यूज करना है, वी थ्री, तो डू का वी थ्री डन, इट इज टू बी डन, एंड बाई बाई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। अच्छा वन मोर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है एक और एग्जाम्पल, जैसे इसी को मैं बोल दूं आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, लाइक ऐसे बोलना आपने, तो इसमें हैव यूज किया गया, हैव, सो भी इसको भी पैसिव बनाने के लिए सेम फॉर्मेट आपने यूज करना है। पैसिव कैसे बनेगा, इट, ओके, इट
और इसके साथ अब हैज लगेगा, इट हैज टू बी, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन बाई मी, राइट। ये जो टाइप है स्पेशल केस, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस का केस है, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस बोलते किसे, ये आप सबको पता होगा, जैसा कि अब इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है तीन चीजों को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, या तो एडवाइस, मतलब एडवाइस को डिनोट करे, या ऑर्डर, ठीक है, या यू नो रिक्वेस्ट, ये तीन फीलिंग्स को जो सेंटेंस एक्सप्रेस करता है उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ओके। सो अब एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ये तीनों तरह के सेंटेंस अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में मिलते हैं, तो उसका पैसिव बनाने के लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा सबका फॉर्मेट है, ओके। सबसे पहले हम ऑर्डर वाले सेंटेंस का देख लेते हैं। ऑर्डर वाला अगर सेंटेंस मिलता है, ठीक, तो ऑर्डर वाला सेंटेंस एक्चुअली इंपरेटिव सेंटेंस में जितने भी यू नो ये सेंटेंस सेंटेंस हैं, एडवाइस हो, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, उन सबों का खासियत ये होता है कि वो उसका शुरुआत वर्ब से होता है। जैसे हम अगर बात करें कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये इसमें क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, दरवाजा खोल दो, ऑर्डर है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस है, और इसका फीचर ये होता है कि इट स्टार्ट्स विद वर्ब, ओपन क्या है यहाँ पे, वर्ब, ओके। तो इसका, और ये एक्टिव सेंटेंस अगर है और इसका पैसिव आपने बनाना है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, ऑर्डर वाला जो सेंटेंस है, पहले तो आप ये समझ लो कि एक फॉर्मेट ऐसे ऐसे हो सकता है कि जिसमें वर्ब के साथ क्या आया हो, ऑब्जेक्ट आया हो, लाइक यहां पर ये द डूर क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक और केस हो सकता है, सपोज यहां पर कोई बोलता है सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, बट उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ वर्ब ही है बस, लाइक सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। उसी तरह से और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे हम कोई अगर कमांडर बोलता है फायर, तो फायर इटसेल्फ अ सेंटेंस हो, एक सेंटेंस है, ठीक है, वो ऑर्डर दे रहे हैं, बट उसमें क्या है, इन ये भी ऑर्डर है, वो भी ऑर्डर है, राइट, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो मींस ये कि ऑर्डर वाला जो सेंटेंस है वो दो तरह का हो सकता है, आप ऐसे समझो, ठीक है, एक विद ऑब्जेक्ट और एक विदाउट ऑब्जेक्ट, तो दोनों का पैसिव थोड़ा सा अलग होगा। अभी देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट वाला है उसका पैसिव कैसे होगा। उसका पैसिव जो होता है, आप याद रख लेना, उसका पैसिव लेट के साथ करते हैं, लेट पहले देते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वो लाते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले, ठीक है, उसके बाद बी यूज करते हैं, देन बी थ्री, ये फॉर्मेट होगा इसका पैसिव का। तो इस फॉर्मेट पे आप इसको बना लो। ओपन द डोर का क्या बनेगा, लेट, लेट द डोर, ठीक है, बी, और उसके बाद वी थ्री, ओपन का वी थ्री ओपन, ये इसका फॉर्मेट हो गया, पैसिव हो गया, ठीक है। तो जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसका पैसिव किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं, उधर चलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो हमने सेंटेंस दो लिखा है, सिट डाउन और दूसरा सेंटेंस है फायर, ये भी एक सेंटेंस है, तो इसका जो पैसिव होगा, पैसिव फॉर्मेट, तो ये उससे इससे भी आसान है। इसमें आपने क्या करना है कि अपने ये फॉर्मेट होता है यू आर ऑर्डर टू, ये अपने तरफ से ऐड कर लेना होता है, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू, यहां करने के बाद, और जो इसका वर्ब है उसका वी वन ही रखते हैं, उसमें वी थ्री यूज नहीं करते, वो वी वन में ही रखते हैं। सो इसका जो पैसिव होगा, अब बना लो, सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, फायर, यू आर ऑर्डर टू फायर, टू के बाद वी वन हमेशा यूज करना, उसके बाद वी थ्री नहीं दे। सो आई होप कि ऑर्डर आपका क्लियर होगा। नाउ हम एडवाइस को देखते हैं, ओके। सेकेंड जो हम टाइप देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का, एडवाइस, और एडवाइस का केस देख लेते हैं कि उसमें उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो एडवाइस का जो केस होता है, इसमें भी सेंटेंस जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक आप ये समझ लो कि लेट से जो भी सेंटेंस शुरू होता है, लेट से जो सेंटेंस शुरू होता है वो एडवाइस को डिपिक्ट करता है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो विदाउट लेट आप कह सकते हो, जिसमें लेट का यूज नहीं होता, विदाउट लेट, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि विदाउट लेट, जिसमें लेट नहीं लगा, वो एडवाइस वाला सेंटेंस कैसा हो सकता है। जैसे हम आपको बोले कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर,
तो ये जो सेंटेंस है, अगेन ये इंपरेटिव सेंटेंस है, गरीबों की सहायता करो, तो इसमें आप ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें आप किसी को गरीबों का हेल्प करने के लिए जबरदस्ती नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो क्या है, एडवाइस है, हेल्प द पुअर, ठीक है, वॉक लेफ्ट ऑन द रोड, सड़क के बाई ओर चलो, तो आप सड़क के बाई ओर चलो किसी को जबरदस्ती हम नहीं बोल सकते, किसी का मन है वो चले, बीच में चले, ठीक है। तो हेल्प द पुअर जो है ये एडवाइस हुआ, तो इसका ये एक्टिव सेंटेंस है सपोज, और इसका पैसिव आपने देना है, पैसिव। तो इसका पैसिव बनाने के लिए जो है पैटर्न क्या होता है, शुड बी का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद शुड बी, ये मेन की वर्ड है वो आप याद रखना, शुड बी यूज करते हैं ये, और उसके बाद भीतरी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देख लो इसका पैसिव क्या होगा, हेल्प द पुअर, ऑब्जेक्ट ये क्या है, पुअर ऑब्जेक्ट है, तो पहले आएगा द पुअर, ठीक है, द पुअर, और यहां पर क्या यूज करना आपने, शुड बी, द पुअर शुड बी, और इसके बाद भीतरी हेल्प, ये होगा, ठीक है। तो एडवाइस जो विदाउट लेट है, जिसमें लेट नहीं यूज किया गया, उसका पैसिव बनाने के लिए मेन कीवर्ड क्या हुआ, शुड बी यूज करना आपने, उसका पैसिव वर्स हो जाए। ओके, अब आते हैं हम लेट पे। ओके, एडवाइस में दो तरह का सेंटेंस हमने जैसा देखा कि एक विदाउट लेट होता है जिसमें लेट नहीं यूज होता है, और दूसरा है विद लेट। तो जिसमें लेट होता है उसका भी दो टाइप उसमें सेंटेंस हो सकता है, एक लेट वाला सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट आता हो, और दूसरा लेट वाला सेंटेंस वैसा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेट से शुरू होने वाला वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट है, द वर्क यहां पे क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे कि लेट से सेंटेंस शुरू होगा लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसका थोड़ा फॉर्मेट, पैसिव फॉर्मेट अलग होगा। फिलहाल लेट वाला सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव फॉर्मेट क्या होगा, लेट से ही शुरू होगा और ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे और यहां पे क्या देंगे, बी, उसके बाद बी थ्री यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, द वर्क ऑब्जेक्ट है, पहले आएगा द वर्क, ओके सॉरी लेट पहले लिखेंगे ना, लेट से था तो लेट यहां से शुरू करेंगे, लेट द वर्क, लेट द वर्क, द वर्क, ठीक है। और उसके बाद क्या यूज करना, बी, लेट द वर्क बी, और इसके बाद मेन वर्क क्या है, कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई बाई हिम, ठीक है। तो जिसमें लेट हो और ऑब्जेक्ट हो उसका शुरुआत लेट से ही करेंगे, उसका फॉर्मेट ये है, और उसमें मेन चीज जो याद रखना है आपको, बी यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला एग्जांपल में आपको बताते हैं कि जिसमें लेट से शुरू तो हो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा जो एग्जांपल है जिसमें लेट से शुरू हो रहा सेंटेंस लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसा आप देख रहे हो लेटेस्ट डांस, तो इस सेंटेंस में क्या है, लेट से तो सेंटेंस शुरू है बट इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सो ये विदाउट विदाउट ऑब्जेक्ट वाला ये टाइप हो गया। तो इसका आप, ये इजी है बट आप थोड़ा सा लंबा है बट इजी है, इसमें आपने करना क्या है, इट इज सजेस्टेड दैट, ये अपने तरफ से ऐड करना है, इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद जो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ उसका नॉमिनेटिव केस वहां देना है, और ये अपने तरफ से शुड ऐड करना है, और शुड एज आप जानते हो कि वो मॉडल एक्सिलरी, और मॉडल एक्सिलरी के बाद हमेशा वी वन यूज होता है, तो वी वन ही यूज होगा, इसमें वी थ्री यूज नहीं होगा। जैसे इसका हम पैसिव वॉइस अगर हम कर लें तो क्या होगा, लेट अस डांस का, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, और यहां पर नॉमिनेटिव केस हमें यूज करना है, तो अस का नॉमिनेटिव केस वी, वी, और वी के साथ क्या यूज होगा, शुड, वी शुड, और शुड के बाद वी वन, तो डांस वी वन है, डांस ही होगा, डांस नहीं होगा, वी शुड डांस। तो ये था आपका एडवाइस का, एडवाइस का जो दो केस है, एक विदाउट लेट और विद लेट। तो इसमें आपका एडवाइस का जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया। ओके, लास्ट जो इंपरेटिव सेंटेंस का टॉपिक है वो रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट आपको पता है सेंटेंस क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग में प्लीज काइंडली ये लगा हो तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का काउंट किया जाता है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी, या काइंडली हेल्प मी भी होता तो सेम मीनिंग। ओके, प्लीज हेल्प मी, तो आपने क्या करना है, अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो इसका पैसिव पैटर्न बनाने के लिए प्लीज या काइंडली जो रिक्वेस्टिंग वर्ड है उसके जगह पे आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू ये वर्ड लिखना होता है पूरा,
तो प्लीज के जगह क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद वी वन जो इसका प्लीज इसके बाद हटा देंगे, प्लीज के जगह पे ये वर्ड आया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद वी वन ही यूज करना है, तो हेल्प वी वन है तो हेल्प ही आएगा, इसमें ईडी नहीं यूज करना, वी थ्री यूज नहीं करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। होप आपको ये वॉइस लेसन समझ आया होगा, और यू आर वेलकम टू गिव योर फीडबैक, तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगले वीडियो में हम एक क्विक एक कुछ जो क्वेश्चन है उसका रिविजन कर लेंगे, तो आपका जो वॉइस का और भी कॉन्सेप्ट आई थिंक बहुत क्लियर हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।